जीवन गुजर गया तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। सुनो, शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता फिर घर को लौट आया। समय बीत का पछताने। मनु जी महाराज ने कहा कि अभी तक कोई वैराग्य की निशानी नहीं है। मैं इस प्रतीक्षा में था कि वैराग्य हो तभी मुझे घर से जाना चाहिए। घर से निकल जाऊं और नाती पोतों की याद आती रहे तो क्या फायदा। ये वैराग्य आने वाली नहीं। इतने बड़े आदमी को नहीं आया, तुम्हारी क्या औकात है भाई। श्री राम जय राम। हमारी औकात है क्योंकि हम तो बचपन में चल पड़े थे। अब भी आओ। अच्छा लगता है कि आपकी बात ये आपको अच्छी लगी। हम बचपन में चल पड़े तो तभी तो ताली आपने बजाया। अब आप जवानी में तो चल दो, छोड़ो घर द्वार, चलो हर द्वार। लेकिन बड़ा मुश्किल है। श्री राम जय राम। सुनो, इधर अपने लड़के को बुलाया, जबरदस्ती इधर बैठे, कुर्सी खाली कर दिया और बैठा दिया। बर बसरा जस तही नृपदीना। गाओ सराज सुतहिंद्र पुदीना। नारी समेत गवन बन दीना। देखो ये झटके से काम होगा, प्लान बना करके नहीं होगा। ये चरित्र से हमको शिक्षा लेनी है। याद रखना प्यारे, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये तीन कर्जे होते हैं। पितृ ऋण को तो आपने निभा लिया, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, वो अंतिम संस्कार या जो भी होगा करेंगे। देव ऋण के लिए यज्ञ हवन चर्चा, ये भी देव ऋण हो रहा है। जो ये हो रहा है ना, पंडित जी ने जो संकल्प किया था कि 12 वर्ष हम इस जगह पर भगवत चर्चा सुनेंगे, ये देव ऋण है। जितने भी यज्ञ हैं, अन्नपूर्णा यज्ञ करो, सदा व्रत हो, ज्ञान यज्ञ हो, अन्नपूर्णा यज्ञ हो, हवन यज्ञ हो, जाप यज्ञ हो, आप जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, यद्यत कर्म करो तद अखिलम संभू तवारा धनम। हम जो जो कर्म कर रहे हैं प्रभु, ये सब आपकी आराधना है। करे ही जो कर्म, कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपयामि।
मन जी महाराज की बात है। जो भी कम कर रहे कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य भगवत प्रीति अर्थम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर ऐसा सोच लिया जाए तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाएगा।